श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। महाप्रभुंकर जय हो, महाप्रभुंकर जय हो, महाप्रभुंकर जय हो। महाप्रभुंकर जय कहिले आम समस्तंकर जय हबो, कारण महाप्रभु पूरा जगन्नाथ। तेणु जय जत्ते बेले भी शिवंक मंदिर रे जेबे, शिवंक मंदिर रे पानी डालिबे, कहिबे जेमिति गोपी माने से करथिले, कन्हैर मंगल करंतु, कन्है को भलरे रखंतु, कन्हैर जय हो। हे नारायण नार सिंह नर हे लीलापते भूपते, जय जगन्नाथ भूपते, जय जगन्नाथ। महाप्रभु समस्तंकु आशीर्वाद करुचंति। पूर्णा चिंत्य विचित्र शक्ति कह विभो स्त्री सक्षमा सागर। हलदी पानी सरी जाइछि, सिंहद्वार श्रीमंदिर आलोकमाला रे सुसज्जित देखा जाउछि। गतकाली हलदी पानी उत्सव संपन्न होइछि कौटि नरेन्द्र पोखरी रे। आज नरेन्द्र पोखरी बाटे गला खाँ खाँ लगुच, आहा केड़े लीला खेला चली था। हौ महाप्रभु को सिंहद्वार देखुचंती, विशाल श्रीमंदिर देखुचंती, आहा कि सुंदर चकानयन आनंद प्रदान करुच्छे। चकानयन आनंद रूपक अमृत वर्षा होउछि, आनंदामृत वारी देवर दहे वात्सल्य रत्न कर। त्वमाश्रित्य न कोपि जाति जठरम तन्मं भवतारय। हे प्रभु, हे नारायण, हे नरसिंह, हे लीलापते, हे वसुधापति, हे पूर्ण, हे अचिंतनीय, हे अद्भुत शक्तिशाली प्रभु, हे लक्ष्मीपति, हे क्षमार सागर आनंद रूपी अमृतर समुद्र, हे बरदाता, हे स्नेहर पारावार, तुम चरण को आश्रा करी पुणी कही मातृगर्भरे स्थानित हुवंती नाही, तेणु मते ये संसारर उद्धार कर। महाप्रभु बड़देवर दृश्य, दुईटी दृश्य वास्तव में बड़देवर परिचय, बड़देवल ताकू आ महाप्रभु परिचय, महाप्रभु निजे अद्वितीय। तेणुक शंकराचार्य दर्शन रे अद्वैत अद्वैतवाद। गत काली हलदी पानी उत्सव संपन्न हो, मात्र मात्र 38 दिन अपेक्षा, 38 दिन 38 मात्र 3-8 38 दिन अपेक्षा। एथर रथ यात्रा आपण माने देखिवा को पाइबे बिना विज्ञापन विरती रे जय जगन्नाथ टीवी रे, केवल 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 जय जगन्नाथ टीवी रे। काहीं देखिवा को पाइबे जय जगन्नाथ टीवी रे आपण माने को काहीं कह जाउछि ना, एथिरे विरती विज्ञापन विरती ना, निरवच्छिन्न भाव रे। एबे संध्या समय रे आपण माने जय जगन्नाथ टीवी देखुचंती ना नाही, जी भी देखुं समय न देखुं जदि अन्य कहीदे टे महाप्रभु दर्शन, सुंदर मुखमंडल दर्शन, सुंदर सिंहद्वार दर्शन, महाप्रभु दर्शन आपण मैंने देखुं सिंहद्वार के सुंदर मुखमंडल। आउ ये महाप्रभु कौन करती कुमुद प्रमोद कमलंक निद समय गोप को आसती कमनीय वेश धरी पीतवास सुंदर सुंदर दिशंती। सतरे केड़े सुंदर देखा जाउचंती पीतवास, सिंहद्वार भक्त मानकु देखुचंती, अरुण स्तंभ को देखुचंती, पतित पावन महाप्रभु को देखुचंती। जय जगन्नाथ टीवी चैनल माध्यम रे दुईटी दृश्य एका सांगरे आपण माने देखुचंती। केकी कलाप कलापे रंचित मुकुट कादंबिनी काले कला मेघ कोळे इंद्रधनु जेने प्रकटे। महाप्रभु केमिति देखा जाउचंती, ये महाप्रभु को रूपलावण्य केड़े सुंदर देखा जाउची। अर्थ ये महाप्रभु कौन करती ना, गोप को जेते बेले फेरती सेते बेले रात्रि आसी जाए थाए, अर्थ संध्या आसी जाए थाए, सूर्य नई जाए थांती, सूर्य बुढ़ी जाए थांती, कई फूल फुटे संध्या हेले कुमुद माने खुशी हुंती। चंद्रकूल जन्म होती ना, चंद्रवंश रे महाप्रभु श्रीकृष्ण रूप से, तेणु कुमुद प्रमोद आसी थाए, आउ कमल सेते बेले विश्राम जाती, कमल कहले पद्म पद्म बंद हो जाए मुदी हो जाए थाए, कुमुद प्रमोद कमलंक निद समय गोप को फेरती, गोधूली नहीं कि जिते गोपालन गोवत्सा चारण रे वत्सा चारण रे जिते बेले महाप्रभु जाती गोपबालक सहित, सेते बेले फेरु थांती केमिति ना, संध्या
समय रे जेते बेले सूर्य अस्ताचल को गति करी था अर्थात गोधूली बेल को महाप्रभु घर को फेरती आउ सेते बेले केमिति देखा जानती सुंदर बेश धरी पीतवास ए सुंदरिया हलदिया पाटटे नाली हलदिया नीली मिसा पाटटी देखा जाउची महाप्रभु हाय प्रभु महाप्रभु ए महाप्रभु सुबुची ना नाही जे महाप्रभु कम मु सुनिबे नी कान कह मु पूरा एते सब अलंकार मुड़ी छी मते कोन सुबुची ना ठीक ही सुबुची सब सुबुची महाप्रभु सुबुनी बड़ी देखिल महाप्रभु सुबुनी सुबुनी एते दुनिया रे वार्ता केमि जानु छंती सब जानु छंती सब सुनु छंती आ चेई की सोइला भले चुपचाप रही जाई छंती ना महाप्रभु कादंबिनी काले अर्थ वर्षा काल रे कला मेघरे कौन करती ना इंद्रधनु जमी कला मेघरे झटके थाए मयूर पुछरे रचित मुकुट महाप्रभु शिविर शोभा दिशी थाए के सुंदर दर्शन महाप्रभुकर आपण देखुंती मुखारविंद को जहा कहले महाप्रभु आम अति निजर ठार निजर निजर अति निजर अत्योत्तर निजर अर्थ अति निजरक निजर जी होती महाप्रभु श्री जगन्नाथ तेणु महाप्रभु को भक्त कवि सुंदर भाव कहती कामिनी काम कर बाल सम चाहिए मर्म दशे दाजे कला कर अर्ध कपाल ऊर्ध कस्तूरी तिलक विराजे केते सुंदर देखिले कस्तूरी तिलक महाप्रभु देखा जा कपाल पट तले गुंजरा मुंड माली गुंजरा मुंड कईच किमा अरविंद पासे अली वृंद रहे अंग को अंग झड़ी महाप्रभु भक्त कवि दीनकृष्ण के सुंदर भाव वर्णना करुंट कलाकर अर्ध अर्थ अर्ध चंद्र चंद्र अर्ध चंद्र भली कपाल उपर को जो टणा कस्तूरी तिलक आप देखुंट जो नाक आसी उपरको भल कि देखते कस्तूरी तिलक बोली कह जाए आकु जो कामिनी मैंने देखती हृदय कम करवाल कम करवाल अर्थ कौन कहले कामदेवर तरबारी आघात कै कम प्रवृत्ति जात हुए केमी महाप्रभु को कोल निमी महाप्रभु सानिध्य लाभ करती कामिनी मान कपाल पाखे गुंजमाली बहुत सुंदर देखा जाए पुणी कौन देखा ना मन हुए अरविंद अरविंद कहले पद्म अरविंद कहले पद्म पद्मर अनेक गुड़े नाम अच्छी अरविंद पाखरे अलीवृंद कौन ना अलीवृंद माने भ्रमर ये चारिपटे जिते समस्ते कौन करती अरविंद पाखरे जेमिति भ्रमर माने अंग को अंग जड़े रही सेमिति महाप्रभु पाखरे भक्त माने अंग को अंग जड़े रहिबार कथा आसी तबे एठी गोटे कथा आसे कौन महाप्रभु श्रीराम रूप से निजे महाप्रभु श्रीराम जगन्नाथ अवतार रूप से महाप्रभु आसती श्रीराम रूप से नृसिंह रूप से बामन रूप से पुणी भागवत दर्शन रे विंशतम अवतार रे कृष्ण रूप से आसती किंतु ये सब जाक दुष्ट निवारी संत पालु गोविंद तुनाथ परम दयालु गोविंद साधु संत पालना करिवा पालन करिवा जा हनुमान दर्शन रे सुंदर कथा मिले साधु संत की तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे साधु संत तबे ये साधु संत माने कौन करती साधु संत मानू कहीं महाप्रभु ये भल पाती समस्ते भल पाती एतिपाई भल पाती संत तुलसी सुंदर वर्णना करी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु साधु चरित केमिति ना कपार जीवनी भली मंगलमय कपा फूल कपा देखिछन्ति आपण माने डनलप गदी रे सोउछन्ति किंतु तार मौलिक दर्शन होची कपा तुला जेमिति कपा फल निरस कपा फल देखिबे तादे रस नथिबो कपा फलटी निरस एवं जहाँ को विशद एवं गुणमय मध्य होइताय
ନିରସ ସତ କିନ୍ତୁ ନିରସ ଭିତରେ କପା ଫଳଟି ଗୁଣମୟ। ଅର୍ଥ କପା ଫଳରେ ରସ ନଥିଲେ ତାହା ନିରସ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟା ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ବିଷୟୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସନ୍ଥ ହୃଦୟକୁ ନିରସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସେ କାମରସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରସ, ତାହା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଏବଂ କପାର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମାନେ କପାର ତୁଳା, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତୁଳା ରଙ୍ଗ କେମିତି ଧଳା, ତେଣୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ ଓ ପାପରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତେଣୁ ତାହା ବିଷଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ। କପାର ଗୁଣ ମାନେ ତନ୍ତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଗୁଣମୟ। ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମା ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି, ତେଣୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣମୟ। ପୁଣି କପା ସୂତା ଯିଏକି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଛୁବା ଛୁଞ୍ଚିର ଛିଦ୍ରକୁ ନିଜର ଦେହ ଦ୍ୱାରା ରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପିଞ୍ଜା ଭିଣା ଏବଂ ଲୁଗା ବୁଣା ସମୟରେ କପା ଏବଂ କପାରୁ ତିଆରି ସୂତା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ସହି ଶେଷରେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପ ଧରି ଅନ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ଅଙ୍ଗକୁ ଆବରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ସେମିତି ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଛିଦ୍ର ବା ଦୋଷକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତି, ତେଣୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜଗତରେ ବନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ନିଜେ ଯଶ ଲାଭ କରନ୍ତି ବନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ। କଥାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯାହାକୁ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ବନ୍ଦନା କରି ଯୋ ସହି ଦୁଃଖ ପରଛିଦ୍ର ଦୂରାବା ବନ୍ଦନୀୟ ଯେହି ଜଗ ଯଶ ପାବା। ତେବେ ଆମେ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗତକାଲି ହଳଦୀ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଭକ୍ତ ସନ୍ଥ ସାଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ର 38 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଛି, 1, 2, 3, 4 ଦୀପର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଆମର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଧମ ଭଦ୍ରାମ ସପ୍ତତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ କଥା ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଥରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ବା ସାଧୁ ଜଣେ ବସିକି ସେ ତାଙ୍କର ଗଛ ମୂଳେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜା ଶିକାର କରିବାକୁ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ବା କଟ୍ୱାଳ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଏଇଠି କଥାଟି ଆସିଛି, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିଲେ ଉଣା ଅଛି, ଯିଏ ଆସୁ ପାପି ଆସୁ ତପି ଆସୁ ଦୁଃଖୀ ଆସୁ ରଙ୍କି ଆସୁ ଭୋଗୀ ଆସୁ ତ୍ୟାଗୀ ଆସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆସୁ ବୈରାଗୀ ଆସୁ ଜଡ଼ ଆସୁ ଚେତନ ଆସୁ ଅନ୍ଧ ଆସୁ କଣା ଆସୁ କୁଜା ଆସୁ କାଲା ଆସୁ ଯିଏ ଆସୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନେତି ନେତି ନଇତି ନଇତି ନଇତି। ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟ୍ୱାଳ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଶିକାରଟିଏ କେଉଁଠି ମିଳିନି, ଯେମିତି ଆଜିକାଲି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଲିନି ଝିଅଟିଏ ଆସି ହେଲି ଦର ବୁଢ଼ା, ହଁ ଆଉ ଦର ବୁଢ଼ା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଏ ଦେବ, ସେମିତି ଇଏ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ହତାଶ ହେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଶିକାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ହରିଣଟିଏ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେମିତି ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ହରିଣ ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା ଦୌଡ଼ ନା ବଡ଼ ଖରା, ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳେ ଏଇଟା ପଢ଼ୁଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଶିଶୁ ବାଳବୋଧ, ହରିଣ ନଦୀଏ ଧରା, କାହିଁକି ନା ହରିଣ ଧରା ଦିଏନି, ବହୁତ ଦୌଡ଼େ ବହୁତ ଜୋର, ହରିଣ ତା ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଏ,
दौड़ी थाए भारी आ भारी निरीह जंतु हरिण सिंह बड़ बड़ निरीह से कह रही क्षति कैन तेब अने पचर पड़ जा रही जा तेणु राजा को खोजापी प्रथम कौन कले कटुआल गले राजा कुआडे गले केत बाट गले कौन है ये बाट जा कहीं मिलूना खोजा जंगल भितर आ राजा सांगे न नहीं कि राजा सांगे जो आसीचु आम कमी आगुआ छाड़ी पलू सी बड़ असुविधा तेणु कटुआल खोजुं गोटेपटे हेले कटुआल फेर विलंब मानने जो विलंब हो मंत्री व्यस्त हो पड़े कह अरे ये कौन गला आमर गोटे कथा थिला भाई कल्याणपुर कूँ बोली गोटे जगह अच्छी कल्याणपुर से कूँ भितर जी गला से फेरलानी अरे ये कौन से भितर गला रहा कौन से आ फेरुनी आउ जन गला उठेवा गोटे लोक कूरे बुड़गला ताकू गले उठेवा कि जी गला सी भी रहा ये कौन आश्चर्य कथा पुणी तापर गला आउ जन गला सी भी रहा एबे भी सुधा आपण मैंने देखिए कल्याणपुर कूँ बोली जी गला सी रहा परवर्त समय से कूँ बंद कर कूँ बंद हो तेरे जाऊना कहीं जितेबले मंत्री देखिले कटुआ फेरी ना सीए व्यस्त अच्छा कौन घटना घटला तेणु सीए खोजा बाहर जिते बड़े खोजा बाहरी आग को जाती बण भितर गला बेले आप जानते जन साधु तपस्या कर बसिक जो साधु जनक तपस्या करुवर देखिले कटुआल से साधु जनक मुद्रित नयन अन्न मैंने भी कई किसी जानते साधु जनक होती अंध जड़े तेणु चक्षुहीन तेणु सी तर तपस्या रही कटुआल पाखे पहुँचिले कह ए बाजी ए बाटे कौन सी लोक जीवार जाचुरे से साधु जनक धीर भाव कहले ना धीर भाव ठीक अच्छे आई तो कले से बाटर चलीगले कि समय पर मंत्री से ही बाट देक गले जो मंत्री से ही बाट देगले साधु तो सही बस बैठा भी साधु निर्मला बेहता पानी निर्मला तेणु कह जाए रमता जोगी बेहता पानी मंत्री पचारे अच्छा साधु बाबा ए बाटरे कही लोक जीवार जानते कि साधु कहले हाँ कहीं जड़े बाटर क्या खोजी खोजी जापट आड़ी कड़ी गले हाथ ठारदे ये खोजिकी जापे मंत्री कौन कले से स्थान रू चलीगले आप विचार करूँ भल भाव कथी मंत्री चलीगले किंतु जत मंत्री चली जाती कि समय पर बाटरे राजा सेपटे खोजुं ये मानक सेठी आसिक राजा पहुँचे राजा पहुँची से साधु को भी देखी एवं साधु को देखी पचारे साधु को मुनिवर ये बाटरे कही लोक जीवार आप जानते कि से कथा शुणिकी जिते शुणिले पचारे साधु जनक अति धीर स्वर से कहले धीर भाव हाँ महाराज अल्प समय पूर्वर दुईज लोक जा प्रथम जनक बोधे आपणक कटुआल आर जनक बोध हुए आपणकर पदस्थ कर्मचारी पी जमापड़े शीघ्र गले आपटर मत हूँ तो भेट पारती राजा साधु बाबा कथा शुणी शीघ्र जा रास्त चलिए बड़देव देखुंट जसुपति तपावन बड़वाना पतित पावन बड़वाना देखु देखु ये पतित पावन ठाकुर दर्शन सौंदर्यमय पुष्प सुंदर पुष्प हार महाप्रभु लगे दीपटे मटी दीपटे कर दिय मत तुमरी मंदिर जलुवि सते हे महाप्रभु एमती गोटे मटी दीप कर दि मुमी जलुवि मु जली जली कि सेमती लिभि जाऊ जली जली सरी जाऊ जिते तुम देहे मिसी जाऊ से ढाली दियो प्रभु प्रेमधारा भावधारे मुझ जलुवि एमती दीपटी धन्य कहीं दीपटी धन्य कहले आ कि पतित पावन बाना बढ़ाई दे पयर भावग्राही रघुवीर पयर खेलित कर सने पोछी माने
जहाँको महाप्रभु पाद बढ़ईदे ब्रह्मारे धौत जे पाद नोहिची शिव विषाद शिवे विषाद नपाई चरणामृत पान को इच्छी चरणामृत पान को इच्छा करने को ब्रह्मा शिव विषाद रही कि हम कौन विज्ञानी कैवर्त धोला विश्वे पति तपावन नाम रहिला विश्वरे पति तपावन पतित मानक उद्धार करने महाप्रभु जो नाम धारण करिसंती पतित पावन से नामर सार्थकता महाप्रभु पाई तेणु कहते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जेतेबेले राजा कौन कले शीघ्र जो रास्ता बतईले साधु जनक से रास्ते जाकि मंत्री सहित भेट हो कटुआ सहित भेट हो तेणु जेतेबेले भेट हो गले सेतिक बेले हठात मनरे आसला जारे दुईटी दृश्य जय जगन्नाथ टीवी रे पतित पावन बाना उड़ुची पवन सुंदर पवन अच्छी समुद्र कुलिया पवन कला आकाश तले हाँ कादंबिनी काले कला मेघ कोले राति रे कादंबिनी समय रात्रि समय एवं कला मेघ कोल रे पतित पावन बाना गुड़िक सब फरफर हो उड़ुचन दूर रु देखा केते सुंदर देखा जाउचन एवं एपटे महाप्रभु पतित पावन विराजमान कर दुईटी जाक दृश्य आपण माने दर्शन करुछन राजा भाविले ये साधु जनक तो अंध अथच समस्त परिचय पाइले केमिति घटना कौन समस्त परिचय से केमी जानले जने कटुआल होइतिबे जने मंत्री होइतिबे मंत्री मतलब बोली लागुछि केमिति कहिले तेणु एक कथा भाबी कि राजा कौन कले मंत्री एवं कटुआल कहले शुण आम टिके सेठी जो अंध मुनि जने बसी चलो पाखक जीवा ना हो चल राजा कहते आम भी महाप्रभु पाखक आसवा रथ जात्रा को आसवा महाप्रभु रथ टणा देखा रथ दौड़ी देखा तीन रथ ठिया आषाढ़ शुक्ल द्वितीय दिन तीन रथ महाप्रभु सिंह द्वार नंदी घोष ताल ध्वज देव दलन तीन रथ हलदिया नाली नील नाली एवं कला नाली ये तीन वस्त्र आच्छादित होनी रथ आम दर्शन करवा के आउ मात्र 38 दिन अपेक्षा 37.5 दिन आउ कहीं व्यस्त हो जा अति सुंदर भाव सन्ध्याला बर्तमान आसिक 9:27 आम दर्शन करवा महाप्रभु रथ उपर स्वयं जात्रा महाप्रभु दर्शन करवा आ गत काली हलदी पा संपन्न होते सुंदर भाव में आम दर्शन करुले पुणी केमी देखा ना बिना विज्ञापन विरती रे निरवच्छिन्न भाव रे सीधा प्रसारण रे लाइव टेलीकास्ट आम देखा जय जगन्नाथ टीवी रे केवल 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 आपण कहे कहीं सिद्धार्थ भक्ति देखु न देखु तो निजे मो निज समत कहि ना देखनी जय जगन्नाथ टीवी देखिए आ जय जगन्नाथ जगन्नाथ वर्षक 12 मास जगन्नाथ को रथयात्रा देखा बेलू आउ गए पड़े कहीं सेमती हम ना तो आप जय जगन्नाथ टीवी रे जहाँ देखिए अति निकटतर दृश्य देखिए सब अन्य कौन सी चैनल एभली निकटतर दृश्य आप देखा पाइबे आ महाप्रभु जानी जात्रा जमी 12 मास 13 जात्रा 27 उपजात्रा 38 प्रमुख जात्रा 108 पर्वपर्वाणी आपण वर्ष सारा देखुं से दिन कड़े जी गले भी मुझे मत पचार मुँह कह डाके कड़े जीवे तो हक हाँ महाप्रभु छाड़ी जब आम कड़े न जीवा महाप्रभु कौन आमको छाड़े छाड़े तेब एक भाविकी जेतेबेले राजा मंत्री कटुआल सहित समस्ते साधु पाखक आसिले साधु पाखे पहुँचिले राजा अति विनीत भाव पचारे आपण भल कथा शुणु अति विनीत भाव विनम्र भाव मुनिवर आपण तो किसी देखिपु ना आपण कौन देखा जाए देखागला ना ना किंतु आम मान को आपड़ चिन्हिले केमी आप चिंता करते जो पचार मुनिवर आपण तो देखिपु ना आपण को तो देखा जाऊनी आपड़ चिन्हिले केमी
ए महाप्रभु सेमती देखुना कौन देखुं आपड़ कहले कौन देखुं जोड़िए तो गोल गोल आखि जमी भालुणी पराए मुह को चालुणी पराए आखि हाँ ये मुह तो भालू मुहाँ ठाकुर कला भालू बोली अनेक लोक भी कहते कला भालू एपटे भक्त मैंने से पुणी भकत मान प्रभु प्रेम बाया समस्ते बाया आम समस्ते बाया जमी कहते टाइया टाइया तीन मुंड दस गोड़ देखी चुकी रे बाया अरे कौन तीन मुंड दस गोड़ आम आठात पिला बड़ कथा आ समस्ते बाया आम किए बाया नुहजे किए प्रभु प्रेम बाया किए पैसा पाइबापी बाया किए कापी बाया किए बाया कि बाया तेणु सबू बाया तो आम एकाठी कि महाप्रभु एकुटिया होती सुधाक आ महालक्ष्मी की तो निजे बलराम दास कहते बाई ठाकुराणी बाई ठाकुराणी बोली कहीं कहते सी हूँ महाप्रभु प्रेम बाया महाप्रभु प्रेम महाप्रभु भक्त जाती बाया एक ठीक सब छाड़ दिखती किसी आ पचार मन पका तेणु तेणु भक्त जिते कि मन पका निजे भक्त को ही केवल मन पका तेणु महाप्रभु भी निजे भक्त कथा को ग्रहण करती तेणु भक्त महाप्रभु जमी कि देखुना सबु देखती सेमती साधु सन्त मैने किसी न देखिले अंतरचक्षुरे से ध्यान बल से सब जापर कि घटना से घटी सिंहद्वार दृश्य देखिले दुईट दृश्य एकाठी देखुले महाप्रभु ना कह कह कौन मत बाया फाया गोटे कहले मुझे तो देखा देवी मुझे ना एमती गोटे कह हाउ मोर भूल कान दौड़ी महाप्रभु भूल आउ थे तुम मुह देख लगे सुंदरिया मुह छाड़ी कड़े जावाक मन हो हाउ हल देखनी तुम्हें जीव तो हेले रथयात्रा बेलू आउ 38 दिन बाकी अच्छी कल तो हलदी पा जा तुम्हें केमी कुआ जीव रथयात्रु केमी ओल्ल कड़े पड़े जीव देखियो नहीं और अथर ओल्ल कड़े जापरि जो दिन आड़प विजय हम से दिन जीव थे पहुंचेगला आउ तुमको सेमती शुखिला टाणुआ खजा देखिए तुम दात भांग जीव कड़े सेमती रथर बस थो रही तो ना ना मो महाप्रभु छतर खाया लोक कष्ट ना मुदेली तथा दर्शन दबनी हाउ नदी तुम आ हे प्रभु तुम चरण कमल में सतकोटी मुंडिया हे प्रभु देखिले आम प्रभु के प्रभु मोर भूल मुझे तेणु ये जो भगवान आक्तों भितर जो अंतर कथा महाप्रभु अंतर कथा को जानती आपण मैंने देखिले आप महाप्रभु कहले महाप्रभु एम गोपी सागर एमती खेलुले गोपी आड़े पाइबापी पाया कहले आम बोध कन धरचु देख ला कन अंतर्धान जहाँ गोपी प्रेम निर्जास बोली कह जाए तेब जत पचारे आपण तो जड़े अंध तेणु आपण केमी आम मानकर प्रकृत परिचय पाइले साधु जनक धीर भाव कहले महाराज मनीषर रूप देखिले जे ताकू जाणी हुए तार किछि माने ना बा चेहरा देखिले किछि जाणी हुए ता किछि जणा माने ना हाँ मनीषर चेहरा आखिरे न देखिले तार कथबार्तार ही तार प्रकृत परिचय मिलता है तार व्यवहार रु निजर परिचय मिलता है ना केमिति ये माँ को देखुं कौन लो माँ ए गुरुवार दिन माजणा हला पुणी जाई सात दिन पर माँ पछे खंडे शाढ़ी रे वर्ष काटिदेव कि पुह को दिन को 15 खंड पिंधु अरुण स्तंभ स्तंभीभूत हो जा महाप्रभु ये सब लीला खेला को देख स्तंभ भली तेणु भगवान को चिंतार जी प्रेम मग्न हो जाती स्तंभीभूत हो जाती बाक्स्फुरण हुए ना तेणु साधु कहले जे प्रथमे जो व्यक्ति आसिकी मत पचारे कथार जना पड़ा से जड़े कटुआल पर निम्न पदस्थ कर्मचारी होते कारण से मत आग कथाटी अनुकूल कर बाबाजी तेणु यही कथाटी जिते बड़े से संबोधन करते तेणु मो मन आसला ये जड़े निम्न पदस्थ कर्मचारी तापर जो व्यक्ति आसी सी कौन कले संबोधन कले साधु बाबा तेणु ए कथा पदकुरु जणा गला से जणे उच्च पदस्थ कर्मचारी हेथिबे तेणु मु से हिसाब रे तांकु कहिली कटुआल आंकु कहिली मंत्री हाँ शेषरे आपण मते डाकिले आसिकी मुनिवर बड़े सुंदर संध्या दर्शन देखु करुछंती आपण माने संध्या समय रे जय जगन्नाथ टीवी पवन होउची अरुण स्तंभ वस्त्र परिधान करिछंती फरफर होइकी उड़ुची उपरे बाना उड़ुची तळे अरुण स्तंभर
वस्त्र उड़ुची आ भक्त माने मुंडिया मारिकी जाउछंती महाप्रभु चका नयन चका चका आखिरे चका बदन चाहिछंती समस्तंकु हां तबे आपण जतेबेले आसिले मुनिवर बोली संबोधन कले तेणु ये तीन प्रकार कथारु मु आपण मानकर परिचय पाइगली तबे दर्शक बंधु आपण माने विचार करंतु महाप्रभुंकर प्र दर्शन रे आमे जेमिति महाप्रभु का में डाकीबा महाप्रभु आम कथा सेमिति शुणिबे गोटे उदाहरण आपण देखिबे सामान्य मोबाइल रो पासवर्ड रे जदी गोटे अंक एपट सेपट हुए से मोबाइल खोलिबो कि खोलिबो कौन कहउछन आज्ञा खोलिबो खोलिबोन जदि एड़ी गोटे मोबाइल आम तैयारी करे गोटे अंक एपट सेपट खोली आमे जदि भूल रास्त जीवा महाप्रभु द्वार खोल केमी आम पाइबा केमी महाप्रभु पाइबा आम स्वर्गर एत बड़ स्वर्ग द्वार को जीवा बा स्वर्ग को जीवा आउ अंक गुड़िक सब एपटे भूल कर पासवर्ड तक सब ओल्ट पाल्ट दबाई का पेट काटी का मुंड को हाणी कहार कौन सब जी अपकर्म गुड़ा कर स्वर्गर द्वार केमी खोल आप चिंता कले आम इच्छा करवा चाहवा तेणु केवल महाप्रभु को जदि दर्शन करवा आम से भावना ठार आम दूरे जावा तेणु आम भूल पथर पथिक हबानी आम कौ पथर पथिक हवा सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते सत्य पथरे धर्म पथरे आम चलिया तेणु राजा बुझीगले जे प्रकृतरे साधु बाबा अंध हेले कौन हम मनीषर भाषा तांकु माने समस्त को चिन्हैबारे साहाज्य करिछि जे अंध मुनि के बा साधु बाबा तेणु से महाप्रभु पाखक जितेबले आम जाए महाप्रभु को दर्शन करे, आम आखि कौन हुए आपे आपे बंद हो जाए आम महाप्रभु को देखी दिए देखीदेला आम चर्म चक्र मानने उन्मुक्त नयन में महाप्रभु को आगे दर्शन करापर जा कौन कला आखिटी बंद हो जाए अरे आम तो जाइए देखा कड़े जाइ दिह देखा जा मेलन को जातु मंदिर को जातु महाप्रभु जुआ जा दिह देखा अरे दिह तो देखा जाइए जिते बड़े दिह सामने पड़े राखीटा कहीं बंद करदल कौन कारण कौन ना बास्तव में आम समस्ते गोटे गोटे अंध ये महाप्रभु केवल आखि खोला रखिश आम आखि बंद कर शोवा हम पड़े हैं लेकिन और कहीं जाके खड़े हैं अरे आम जिते शोवा कौन कर खटरे पड़वा स्वप्न देखला बेलू जा मुझे से राजेश घरे पहुंच जाइवी ना जाकि आउ कौट पहुंच जाइवी कि कौट कौन मैंने कौन से ठियाई खाड़े तो आम मुझे सतरे से जाना कि पड़ी खटरे तेनाली हूँ दृश्य आम मानक भौतिक संसार महाप्रभु यही आम सहित खेलुँच यहाँ हम पढ़े हैं लेकिन वहाँ हम खाड़े हैं लेकिन आम प्रकृत ने पढ़ीचे खट पड़े तेणु महाप्रभु पाखक जितेबाद जाए आम आखिटी बंद करदेला अंतरचक्षु महाप्रभु दर्शन आम करें कोटिए शरद चंद्र जिणी मुख श्रीअंग अभिनव घन कटी तटे पीत वसन विराजे बड़ा हक बोली समान सतरे कोटि कोटि शरद चंद्र सबुठारु शरद चंद्र शरत काले नईर जल काच पराए दिशे खंड कु खंड धला बौद नील गगने भासे नील गगने भासे खंड कु खंड धला बौद नील गगन भासुथिबो ता भितरे जन जाउथिबो शरद पूर्णिमा हेइथिबो शारद चंद्रिका दाऊ दाऊ देखा जाउथिबो किंतु कोटिए कोटि शारद चंद्रिका एकाटी हेले जो रूपलावण्य देखा जीवो ताठारु अधिक ये महाप्रभुंकर दुईटी जाक नयन देखुछन्ति आप नयन उपरे भ्रूलता किसे काम कमाण नुहंती लो सखी गोपी से तो राधार प्राण ना राधा कहले नुहंती लो सखी राधा से तो गोपीर प्राण अने आड़े गोपीर प्राण ना राधा प्राणधन सत कथा कहले ये कहारी नुह ना गोपी गोपी रही छाड़ी गले कहीं राधा रही राधा को कंदे पुणी कहले कौन ना तुम कांदनि आखिर लुह टोपा तलू को पड़े निजे पीदे अरे बन्या सृष्टि तुम आखिर धार जदि गड़ ये महाप्रभु ये भावुक राधा कांदुचंती चार दिन कंट दे गला नयन मु झरे श्रावण धारा किंतु से श्रावण धारा को निजे पी जाऊ काली आम दुख पासरा
ତେଣୁ ଏଠି ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜଣାଶୁଣା ଠାକୁର ଜଣାଶୁଣା ଛଣା ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଛାଣିଲା ପରି ଯେମିତି ପାଣି ଛାଣିକି ଆମେ ପିଏ ତାଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଛାଣିଲା ଭଳି କାମ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଛାଣିଲା ଭଳି କଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଅସତ୍ୟ ଅସୁନ୍ଦର ଅନ୍ୟାୟ ଅପ୍ରିୟ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ହଁ ହଁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଅସତ୍ୟ କୁହନ୍ତିନି ସଦାବେଳେ ସତ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସିନା ନାହିଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏ କଥା କହିଲେ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଭଲ ଭାଗରେ କହିଥିଲେ କପଟି କୁଶଳୀ କାରିଗର ଯଦୁପତି କେତେବେଳେ ଧରୁଥାନ୍ତି କେବଳ ମୁରତି ମାନେ ଇଏ ପୁଣି କେମିତି ହେଲା କପଟିଆ କେମିତି ହେଲେ ଆମର ଭଜନ ବି ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ତୁ କପଟିଆ କାଳିଆ ତୁ ଦଗା ଦିଆ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାର ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଇଏ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ରାତିରେ ଚାଲୁଥିଲା କାଲି ତ ହଳଦୀ ପାଣି ଉତ୍ସବ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଭିତର ଚନ୍ଦନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିତର ଚନ୍ଦନ ନୀତି ତେବେ ଆଉ ମାତ୍ର 38 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ କେବଳ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ବିରତିରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ଏଇଠି କଥାକୁ କଥା ପ୍ରବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାହିଁକି ମୁଁ ଆମ ପରେ ପରେ ଆମର ଯୁବ ପ୍ରବାଚକ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧ କରିନେବେ ତେବେ ଏଇଠି ବାଣୀକୁ ଏ ଅଧମ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଜପାମାଳି କରିଥାନ୍ତୁ ହାଏ ହାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ହିଁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଜପାମାଳି ଆଉ ଇଏ ଅଧମ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଣ୍ଡିତ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ